गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड इन योर हाउस. टुडे वी विल लर्न सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9. हमने लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ था? चैप्टर फाइव का नेम कौन सा है? मूवमेंट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. ओके, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी यह चैप्टर हमने दो पार्ट में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का भाग, मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी की तरफ के प्रयास. अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे. ओके, अब आप सभी निकालिए पेज नंबर 34. फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल. अब गवर्नमेंट के द्वारा यह जो संघर्ष किए जा रहे थे उसको कुचलने में जो असफलता सरकार की हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विथ हार्ड हैंड. द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंड बाय रैनसैकिंग गवर्नमेंट सिस्टम. अब यह जो हमारी संघर्ष हो रहा था उसको कुचलने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई, सामूहिक गिरफ्तारी की और भारी दामन नीति करने की कोशिश की. इन सभी को यह सरकार कुचल डालने की नीतियाँ सफल नहीं हुई. मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा सामूहिक गिरफ्तारी की गई, लोगों पे टीयर गैसेस छोड़े गए, अलग अलग तरीके के जो यह चीज़ें बंद हो जाए वह करने की जो उन लोगों ने संघर्ष किया हुआ था वह क्या हुआ? असफल हो गया. मोर देन 70,000 पीपल वेयर इम्प्रेसन्ड. 538 गनशॉट्स वेयर फायर्ड. 1,028 people lost their lives. 3,200 people were injured. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया? पूरे देश में जगह जगह बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव देखने मिला हमें. तोड़फोड़ द्वारा सरकारी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास भी किया गया. अब यहाँ पे कितने 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया. अब यह जो आंदोलन चल रहा था इसके दौरान गवर्नमेंट के द्वारा 538 राउंड गोलियां भी चलाई गई. 1,028 लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए और 3,200 लोग घायल भी हुए. ओके, अब इसके आगे का हम देखते हैं. स्टूडेंट्स वेयर इंजर्ड इन गनशॉट स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना. अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है? अहमदाबाद और पटना के जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर जो गोलियाँ चलाई गई उसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मारे गए. अ यूनिक पॉलिटिकल कंसियसनेस वॉज क्रिएटेड अमॉन्ग द पीपल. दिस मूवमेंट गेव क्लियर वार्निंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट इंडिया कैन नॉट बी इंस्लेव्ड एनी मोर. द स्ट्रगल रियली सिग्नल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया. द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वॉन्टेड फुल इंडिपेंडेंस. द अमेंडमेंट फॉर डोमिनेंट स्टेटस वॉज ऑलमोस्ट विजिबल बाय दिस स्ट्रगल. आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 5 ईयर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस. अब यहाँ पर अहमदाबाद और पटना में जो गोलियाँ चलाई गई थी वहाँ भारी मात्रा में विद्यार्थी भी मारे गए, लेकिन जो व्यक्तिगत और सामूहिक वीरता के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भारत की जो जनता थी वह संघर्ष किए जा रही थी. विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पर भी ऐसी छाप पड़ी कि सबसे अधिक समय भारत में तो अपना शासन टिकाए नहीं रख सकते. लोगों ने अपने आप से स्वयंभू आंदोलन भी चलाया. क्विट इंडिया मतलब
भारत छोड़ो आंदोलन शब्द लोगों के स्वयंस्फूर्त घोषणा के रूप में अपनाया गया था। इस सूत्र से डोमिनियन स्टेटस मीन्स उपनिवेशक स्वराज्य का ख्याल अदृश्य भी हो गया, मतलब वो दिखाई नहीं देने लगा। अब तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, यह किसके द्वारा बोला गया था? जो इंडियन पीपल्स यानी कि नॉर्मल पीपल्स होते हैं, सिविल्स होते हैं, उनके द्वारा बोला गया। इसके लिए कटिबद्ध हुए। उसके बाद 5वें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। फाइनली इंडिया ने ए अचीवमेंट फ्रीडम उन्हें मिल गया। अब इसके बाद क्या? आज़ाद हिंद फौज, ये रहा आज़ाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन कटक इन ओडिशा स्टेट 23 जनवरी 1897। हिज फादर राय बहादुर जानकीनाथ बोस वॉज अ गवर्नमेंट लॉयर इन ब्रिटिश जुडिकरी। हिज मदर पार्वती देवी वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। प्रिडिक्शन वॉज दैट दिस बंगाली लैड विल बिकम सिंसियरली सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, बट ही वेंट ऑन टू बिकम अ स्टंच फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स फ्रॉम कलकत्ता प्रेसिडेंस कॉलेज, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज। ही पास द वेरी डिफिकल्ट ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एट फॉर द नंबर एंड रिटर्न टू कलकत्ता। सीड्स ऑफ रिवोल्यूशंस वेयर प्लांटेड इन हिज माइंड ड्यू टू द इंसल्टिंग एटीट्यूड एंड प्राइड ऑफ द ब्रिटिश प्रोफेसर्स एट द प्रेसिडेंट कॉलेज टू वर्ड द इंडियंस। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? अब जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। किस दिन हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। उनके पिताजी का नाम क्या था? राय बहादुर जानकी नाथ बोस, वो क्या थे? सरकारी वकील थे। माता का नाम क्या था? उनकी मम्मी का क्या नाम था? पार्वती देवी। और वो क्या करती थी? धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, मतलब जो भी लोग कैसे धार्मिक होते हैं वैसी प्रवृत्ति वाली थी वह। कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में से बहुत अच्छे मार्क्स पास करके वह कहाँ पर गए? इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई करने के लिए गए। उन्होंने वहाँ पे बहुत ही उस वक्त कठिन मानी जाती ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस। ICS का फुल फॉर्म हमें पूछा जा सकता है, तो क्या होगा? इंडियन सिविल सर्विस में कितने नंबर से पास हुए? 4th नंबर से उत्तीर्ण करके वह कहाँ रिटर्न? कोलकाता रिटर्न आ गए। उन्होंने ऐसा सोचा था कि बंगाली लड़का भविष्य में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा। उसी से भारत की ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य भी किया। कोलकाता में प्रेसिडेंट कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ओज द्वारा रंगभेद की नीति और भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और अभिमान के कड़वे अनुभव ने उनके मस्तिष्क में क्रांति के बीज बोए। ओके, आप सभी को इतना समझ में आया? ओके, अब इन्होंने क्या? ही जॉइंटेड द सत्यमेव स्वराज पार्टी इन 1923। ही सोन बिकम वेरी पॉपुलर लीडर अमोंग यूथ। ही वॉज इन द टॉप इन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट एंड देयर फॉर जेल्ड मेनी टाइम्स इन 1938। एट द यंग एज ऑफ 41 ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कन्वेंशन एट हरिपुरा कहाँ पे है? सूरत। एंड शोकेस हिज
ability. He left the Congress as difference of opinion with Gandhiji had increased and he established a party. अब यहाँ पे उनके दिमाग में क्रांति के बीज तो बोए जा चुके थे, किसके कारण? रंग भेद की नीति के. वह कॉलेज के जो अंग्रेजी अध्यापक थे उनके द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा रंग भेद नीति और जो भारतीय विद्यार्थी थे उनके साथ जो अपमानजनक बातें की जाती थी उनके कारण, उनके जो दिमाग में उनके अनुभव जो थे उसके कारण उनके दिमाग में क्या क्रांति के बीज बोए जा चुके थे. उन्होंने क्या किया, भारत के स्वतंत्र संग्राम में अपना बहुत अधिक रुचि व दर्शाने लगे. अब भारतीय महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता भी वह बन गए. अब उन्होंने 1923 के दौरान राष्ट्रीय स्वराज दल में जुड़कर कार्य भी किया और युग के लोकप्रिय नेता भी बन गए. अब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई में वह आगे रहे. कारावास भी मतलब जेल में भी वह गए, कारावास भी भोगा. 1938 में मात्र 41 ईयर की युवावस्था में हरिपुरा जो कि सूरत में है उसमें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में वह नियुक्त गए. उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा ही थी. अब सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण उनका गांधी जी के साथ मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक टू अवेकन पब्लिसिट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही ट्रेवल मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया. अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक दल की स्थापना की और उन्होंने अवैध सभाएं भी संबोधित की, देश में प्रवास भी किया, घूमे भी, ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनमत जागृत भी किया. उन्होंने जगह जगह पे प्रयास भी किए. इसीलिए ही वॉज अरेस्टेड अंडर इंडियन डिफेंस कोड एट इम्प्रेशंस ड्यूरिंग इम्प्रेशमेंट. ही वॉज इल ट्रीटेड. ही वॉज इम्प्रेस्ड एट हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंट एज हिज हेल्थ वॉज डेटरियोरिंग सिंस ही वॉज फास्टिक अंटू द डेथ. ही ट्रेवल्ड इन द डिस्कस ऑफ पठान फ्रॉम कलकत्ता वाया पेशावर काबुल ईरान एंड रशिया लेटर ऑन द रिस्ड बर्लिन जर्मनी 28 मार्च 1942. अब इन्होंने जगह जगह प्रवास करना भी स्टार्ट किया लोगों के बीच में या क्रांति की भावना भी उत्पन्न करनी शुरू कर दी. अंत में उन्होंने क्या हिंद सुधारणा धारा के अंतर्गत उन्हें क्या किया, हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया. कब, 1940 के दौरान. जेल में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उन्होंने अमरण उपवास भी किया जिसके कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई. उनके निवास स्थान पर ही उन्हें नज़रबंद रखा गया. अब वह ऐसे इंसान थे और वह एक राजनीतिक दल कैदी के रूप में थे इसलिए जो अंग्रेज थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे. अब उन्हें जहाँ पे उन्होंने क्या किया वहाँ पर भी सत्याग्रह आरंभ किया. उन्होंने क्या किया, अमरण उपवास किया जिसके कारण उनकी तबीयत भी खराब होने लगी और वहाँ पर जो अंग्रेज थे वहाँ के जो जेलर्स थे उन्होंने निवास पर ही उन्हें नज़रबंद कर दिया हुआ था. परंतु लेकिन फिर भी वह कहाँ पे पठान का वेश बदल कर कोलकाता से पेशावर काबुल ईरान रूस होकर बर्लिन जर्मनी, बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में पहुँचे. कब पहुँचे वो, 28 मार्च 1942 के दौरान. इंडियंस लिविंग इन जनवरी जर्मनी, अब हम कहाँ पे ये रहे, इंडियंस Living in Germany gave him warm welcome. He urged
The people of India taught Berlin radio to fight against British Empire. He also met Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India. He then went to Rome and Paris to establish military units for the independence of India and recruit 3,000 Indians. Rasbihari was a revolutionary living in Japan, changed all the organization and established India Independence League to make India free. Azad Hind Fauj was set up a press of 1,000 Indians, delegates from Malaya, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Borneo, Andaman, Burma, Bangladesh, now Myanmar, were in the organization and in that. Kya Mohan Singh, a war prisoner arrest by Japan, was also present. Moreover, Rasbihari was voluntarily retired as head of INA. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 28 मार्च 1942 के दिन वह कहाँ पे पहुँचे, बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है। जर्मनी में भारतीयों ने उनका हार्दिक स्वागत भी किया। अब बर्लिन रेडियो पर उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जगाने का अनुरोध भी किया। किसमें? बर्लिन रेडियो पे। जर्मनी में हिटलर के साथ भारत की आज़ादी के विषय में चर्चा भी की। कब की? 29 मई 1941 में। उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत से संबंधित सैनिक दल की स्थापना भी की, जिसमें भारतीय सैनिक कितने भर्ती हुए, 3,000 भर्ती भी हुए। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए भारतीय जो क्रांतिकारी थे, नेता कौन थे, राजबिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़ने के लिए एक संस्था बनाई। कौन सी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्रीय संस्था स्थापित की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का निर्णय भी लिया। अब जिसमें विश्व के अलग अलग देशों में बसने वाले जो भारतीय थे, जैसे कि इंडिया से जा कर के दूसरे देशों में हमारे जो इंडियंस होते हैं वह बस जाते हैं, वह जैसे कि कहाँ बसे हुए थे, मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, ब्रह्मदेश, जैसे कि अभी बर्मा करके है ना उन्हें, ब्रह्मदेश जो कि आज के डेट में क्या है, म्यांमार आदि स्थानों से कितने प्रतिनिधित्व आए थे, 100 प्रतिनिधित्व यहाँ इन सब देशों से आए हुए थे जो कि भारतीय क्रांतिकारी थे। अब जापान के हाथ में जो युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह जो थे, वही इस परिषद में भी उपस्थित हुए थे, जिसमें राजबिहारी बोस चुने गए हुए थे। क्लियर हो गया यहाँ तक के? ओके, अब हम इसके बाद का क्या देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब क्या है, आफ्टर ब्रेकिंग एंड टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी, सुभाष चंद्र बोस क्लेवरली रीच्ड जापान फ्रॉम बर्लिन इन अ सबमरीन इन 1943। अंग्रेज़ों की जो बहुत ही टाइट सुरक्षा थी, यानी कठोर सुरक्षा थी, उसको भी उन्होंने क्या किया, क्रैक किया। उससे सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन, जो पानी के अंदर चलती है वाली शिप, सबमरीन से चालाकी पूर्वक वह बर्लिन से कहाँ जा पहुँचे थे, जापान में, कहाँ पे, 1943 में। मोर ओवर राजबिहारी बोस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
invited Subhash Chandra Bose to be the head of this league. It was decided that in his force only Indian soldiers and officers would be there, and it would fight for independence of India. Japan would provide every kind of help for the Indians' freedom. It was promised that as Japanese army advanced towards India, capturing Indian province, provisional government would be formed and Japan would give them recognition. अब यहाँ पे अंग्रेजों की सुरक्षा को भेद करके तो बस सुभाष चंद्र बोस सबमरीन के द्वारा बर्लिन से कहाँ पहुँचे, जापान पहुँचे. कब पहुँचे? 1943. उन्होंने एक बहुत ही साहस का काम किया था. वहाँ राजबिहारी बोस जो थे, हिंदू मुक्ति करके फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सर्वोच्च नेतृत्व किसको, जो सुभाष चंद्र बोस को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया था, आमंत्रित किया था. किसे? राजबिहारी ने किया हुआ था हिंद मुक्त फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में किसे इनवाइट किया था? सुभाष चंद्र बोस को. उन्होंने यह निश्चित किया कि फौज मात्र भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों की ही होगी और भारत की मुक्ति के लिए ही लड़ेगी. उसमें जापान, अग्नि एशिया, सॉरी जापान वुड बी द फ्रीडम ऑफ, जो जापान था वो एशिया के भारतीय की मदद मिली. अब जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ उन्होंने क्या की, मुलाकात की. उसने भारत के पूर्ण स्वराज के लिए सभी प्रकार की सहायता करने का निश्चय किया. जो जापानी सेना थी वह भारत में जैसे तैसे आगे बढ़ती, वैसे वैसे काम चलाओ सरकार का वहाँ गठन करके वहाँ की व्यवस्था उसे सौंपेगी. जापान ने उसे क्या दी, मान्यता भी दी. अब ऑन जुलाई 2, 1943 सुभाष चंद्र बोस वेंट टू सिंगापुर फ्रॉम जापान एंड देयर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ऑन जुलाई 4, 1943. अब 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र जापान से सिंगापुर गए और वहाँ सर्वसम्मानित कब हुए, 4 जुलाई 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष रूप में उन्हें चुना भी गया. मोर ओवर राजबिहारी बोस वॉलंटियर्ड रिटायर्ड एज हेड ऑफ इंडियन नेशन आर्मी आज़ाद हिंद फोर्स and appointed Subhash Chandra Bose as head of INA Indians residing there got a proper and able leader for freeing their motherland. अब यहाँ पर क्या हुआ, राजबिहारी बोस ने INA यानी इसका फुल फॉर्म क्या, इंडियन नेशनल आर्मी, अब आज़ाद हिंद फौज के प्रधान, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को स्वेच्छा से बनाया हुआ था. साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में सुभाष चंद्र बोस को भी नियुक्त कर दिया हुआ था. अब यहाँ पे जो भारतीय बसे हुए थे वह मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए योग्य और समर्थन उन्हें नेता मिल चुका था और तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का प्यारा सा नाम दिया, नेताजी का नाम दिया. अब सीन द सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी इन हिज स्पीचेस एंड ऑन रेडियो ही गेव स्लोगन्स, चलो दिल्ली, लेट्स मार्च टू दिल्ली एंड तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम. विथ हिज स्किलफुल गाइडेंस ही फॉर्मेड द पैरेलल गवर्नमेंट. ही ट्राइड टू convince an urgent the Indian residents in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of Indian independence of India. अब यहाँ पे उन्हें INA इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जब उन्होंने प्रधान के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया
वहाँ पे जो बसने वाले भारतीय थे मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए उन्हें नेता के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो सुभाष चंद्र बोस को कौन सा नाम दिया? नेताजी का नाम दिया। अब नेताजी ने सैनिकों को कौन से स्लोगन्स दिए? चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का स्लोगन दिया। अब उन्होंने एक अच्छे मार्गदर्शन के समांतर सरकार की भी रचना कर डाली थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वह भारतीय मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने की मांग कर रहे थे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा काम चलाओ सरकार की स्थापना। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस फॉर्मेड प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एंड ही बिकम इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ आर्मी। अब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाओ सरकार की रचना की, जिसमें वह प्रधानमंत्री और सेना के सबसे बड़े सेनापति भी बन गए, हेड ऑफ आर्मी भी बन गए। ही अलाउड अदर डिपार्टमेंट्स टू हिज कंपनीज एंड फॉर्मेट अ कैबिनेट। हिज गवर्नमेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापान, जर्मनी, इटली, नेशनलाइज चाइना एंड बर्मा। अब भारत की अभी यह जो काम चलाओ सरकार की योजना जो बनाई हुई थी, इसमें जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा, ये सभी देशों ने मान्यता दे दी हुई थी। अब इसमें क्या, सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज को स्वीकारा भी था। दिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एंड तिरंगा कलर एज अ नेशनल फ्लैग। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव इनकम बाय असिस्टिंग जापान इंडिपेंडेंस रोल बाय एंड बाय प्रॉपर्टी टैक्स। नेताजी विजिट्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड नेम्ड इट हेल्थ शहीद मेटेरियल एंड स्वराज्य इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे भाषा के रूप में हिंदी, राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार तो कर लिया हुआ था। अब पैसों की भी तो ज़रूरत होगी, पैसों की सहायता के लिए, आय के लिए जापान की सहायता। अब स्वैच्छिक अनुदान, अपने मन से जो अनुदान किया जाए उसे स्वैच्छिक अनुदान कहा जाता है। वह जो संपत्ति थी उसे लगाने का भी निश्चय किया जा चुका था। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। अब जो नेताजी थे वह 1943 में अंडमान निकोबार जो टापू है का जो आइसलैंड है वहाँ पर गए, वहाँ की मुलाकात ली। अब इसको टापू को जो अंडमान निकोबार है शहीद और स्वराज नाम भी दे दिया हुआ था। अब हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट स्टेप एंड मैट्रियडम सुभाष चंद्र बोस, ये रहे। अंतिम दौर और सुभाष चंद्र का बलिदान। इन मई 1944 अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी हिज मिलिट्री यूनिट्स कैप्चर्ड रंगून फ्रॉम कोहिमा प्रेजेंटली द कैपिटल ऑफ नागालैंड। देन इट मार्च टूवर्ड्स इम्फॉल, नाउ कैपिटल ऑफ मणिपुर, बट आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ टू एटम बॉम्ब्स ऑफ नागासाकी एंड हिरोशिमा इन जापान, द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टॉप्स। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार्टेड वॉरफेयर अगेंस्ट आजाद हिंद फौज एंड सो द conditions become critical. The against 1942-45 he started from Taipei airport for Formosa for Tokyo, Japan, but his planes caught fire and he got seriously burned, and while undergoing treatment he died. The mystery of his death has remained unsolved till death. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान के बारे में हम पढ़ेंगे। अब
में 1944 में जो नेताजी थे उनके अंडर में लीडरशिप में जो सेना की एक सेना की जो टुकड़ी थी वह कहाँ से गई, रंगून से प्रॉम एंड कोहिमा जो कि आज की डेट में नागालैंड की राजधानी है जो कि हमारे इंडिया में है और प्रदेश में अधिकार मिला। और इसके बाद उन्होंने इम्फाल यानी कि जो आज के डेट में मणिपुर की राजधानी है, यह सब सारे स्टेट्स हमारे इंडिया में हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है को भी क्या किया था, उन्होंने जीत लिया था किसके दौरान, नेताजी के नेतृत्व में। परंतु लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के इस काल में ब्रिटेन की ओर से द्वितीय सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, अब इसमें जो अमेरिका है वह युद्ध में क्या हुआ था, इन्वॉल्व हो चुका था। उसने क्या किया था, अमेरिका ने जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा शहर है उसके ऊपर क्या डाल दिया था, बॉम्ब डाल दिया था, जिसके कारण जापान ने अपनी शरणागति स्वीकार भी कर ली होती। अब नेताजी को जापान से जो सहायता मिलती थी यानी फाइनेंशियल और मिलिट्रियल जो हेल्प मिलती थी वह सब कुछ बंद हो गया था। क्यों, वो तो अभी पता चल गया, अमेरिका ने बॉम्ब डाला हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा पे जिसके कारण वह फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। लेकिन ब्रिटेन के जो हवाई जहाज़ हैं एरोप्लेन से वह आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति इसकी क्या हो गई थी, बहुत ही दयनीय या ख़राब हो गई थी। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंकॉक साइगॉन फॉर्मोसा दीव के ताइपेई विमान केंद्र पर पहुँचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। और उस जिस प्लेन में वह ट्रैवल कर रहे थे उसमें एक आग लगने के कारण वहाँ पे वह प्लेन क्रैश हो गया और वह हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। सुभाष चंद्र बोस की डेथ विमान दुर्घटना में होने से एक अफवाह फैलाई गई जिसे आज तक के सुलझाया नहीं जा सका है, वह अभी भी अनसुलझा हुआ रहस्य है। अब इसके बाद क्या है, अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। द कमांडर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वेयर अरेस्टेड एट एज प्रिजनर ऑफ वॉर एंड वेयर एक्सक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन एंड पुट ऑन ट्रायल, भुलाभाई देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू प्लेडेड देयर केस। अब यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए जो सेनापति थे जो राजद्रोही थे उनके ऊपर जो केस चलाया गया था, भुलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू को भी फौज के ओर से केस लड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन जो हेड थे कमांडर से उनको क्या सजा सुनाई गई, जिसके कारण द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड देम विद पनिशमेंट देयर वेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम इन द एंटायर कंट्री। सो ओविंग टू पॉपुलिस्ट ओपिनियन द गवर्नमेंट हैड टू विद्रो द पनिशमेंट। दिस इवेंट्स एंड विद द नवल मुटिनी ऑफ बॉम्बे 1946 द ब्रिटिश रियलाइज देयर रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर टू टेनेबल। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सजा सुनाई हुई थी वह लोगों में प्रचंड लोक विरोध मतलब जो अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे जो कि बहुत ज़्यादा ही भारी मात्रा में जान हान माली की नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर गए थे। अब इस घटना के कारण मुंबई में जो नेवी के जो लोग हैं उन्होंने भी एक विद्रोह स्टार्ट किया, कब, 1946 में, जिसके कारण जो अंग्रेज थे जो ब्रिटिश थे उन्हें पता चल गया कि उन्हें स्वराज्य देना ही पड़ेगा, ज़्यादा वक्त के यहाँ पर हम नहीं रह सकते। अब
द ब्रिटिश रियलाइज द रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर टू बी टिनेबल ऑन February 20, 1947 Atli, the Prime Minister of Britain, announced that the British government that shall give all the power to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948. अब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एटली थे उन्होंने घोषणा की, कब घोषणा की, 20 फरवरी 1947 के दौरान ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो सरकार थी उन्होंने भारत की समस्त सत्ता किस कब दी थी 1948 में जून में दे करके उन्होंने विदा ले लिया हुआ था, वह चले गए हुए थे। नाउ चेंज योर पेज। Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed as vicar in place of Lord Wavell when he took charge of his post. Communal writs had started in India. The condition of India had become pathetic. In July 1946.